नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के रहुई प्रखंड के कई गांवों के किसानों से पैक्स में धान अधिप्राप्ति नहीं कराने की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को हुई अचानक रिमझिम वर्षा ने इनकी पुष्टि भी कर दी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भले ही नालंदा जिला ज्यादा किसानों से पैक्स में धान खरीदने में सूबे में अव्वल स्थान पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शनिवार को रुक रुक कर हुई वर्षा ने धान खरीदारी में की गई भेदभाव की पोल खोल कर रख दी। किसान अपनी खून पसीने से सींची धान की फसल को वर्षा से बचाने के लिए खलिहानों में पड़े धानों को जैसे जैसे प्लास्टिक से ढकते नजर आए। कई किसानों ने पैक्स में व्यापारियों से धान खरीद कर गोदाम भर लिए जाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश के कारण हम लोगों का जितना भी नुकसान हो रहा है, इस पर पैक्स वाला ध्यान दे रहा है नहीं। ऊपर से जो व्यापार मंडल सरकार के द्वारा जो इसको मिला है कि धान लिया जाए, वो भी नहीं ले रहा है हम लोगों का। अच्छा, तो खिराने में धान पड़ा हुआ है सामने, आपको देख लीजिए पूरा धान यहाँ से लेकर वहाँ तक जो पूरा अब सुखा रहे हैं धान को, अब अथी बाह रहे हैं, उठा रहे हैं, सब क्या करें अब। ओ, तो नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत नुकसान है हम लोगों का। अब बारिश से क्या हुआ? बारिश से देखिए धान भींगा, पिंज अभी दहल है, तो बचने के शुरुआत के तो पूरा ढेरी भींग गया दो चार को। पैक्स धान लिया कि नहीं? नहीं, पैक्स धान नहीं लिया, वो अपने नकदी खरीद के पैसा व्यापार मंडल द्वारा खरीद के और गोदाम भर लिया है। हम लोग कहता है कि जब भर गया गोदाम में जा, आप लोग धारे नहीं जाएगा तो क्या करें हम लोग। क्या नाम है आपका? घर में जगह रखने का भी धान नहीं है, तो घर में रख ले। रामजी पंचायत बेलदिया गांव, धान खराब में ढेरी को पड़ा हुआ, भिन्न क्षति बारिश से पूरा क्षति हुआ है। पैक्स वाला नहीं लेता, किन लिया नकदी पैसा, अपन पैसा लगा के गोदाम भर गया, था जगह नहीं है। तो क्या दिक्कत हो रहा है धान के ले जाए के कहते हैं आप खरीद के क्षति हो रहा धान? और दिक्कत क्या हुआ, परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी धान नहीं जा रहा, परेशानी हुआ खराब हो रहा है। ओ, तो बारिश से भी दिक्कत हुआ? हाँ। क्या दिक्कत हुआ? धान भींग गया पूरा, क्षति है। के नाम वाले तोहर? सुमिंदर जमेला। किस तरह काम किया जाएगा सर? धान तो सभी पंचायतों में खरीद की जा रही थी, इधर सीसी लिमिट की कमी हुई है और स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसके वजह से गति धीमी हुई है। अभी फिर सीसी लिमिट बैंक से मिला है, तो अब किसानों का धान लिया जाएगा। और सीएमआर जा नहीं रहा था, फिर सीएमआर जाना शुरू हुआ है तो जगह खाली हो रही है पैक्सों में, फिर धान लिया जाएगा किसानों का। सर, बारिश के कारण सर कई किसानों के धान की बर्बादी की बात सामने आ रही है सर। स्टोरेज के वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी बीच में, अब फिर चावल जाना शुरू हो गया, एसएफसी के द्वारा गोदाम भर गया था जिसके वजह से सीएमआर नहीं जा रहा था, अब सीएमआर जाना शुरू हो रहा है, तो फिर धान किसानों का लिया जाएगा।